महान क्रांतिकारी कलम के सच्चे सिपाही गणेश शंकर विद्यार्थी की 131वीं जयंती कानपुर जर्नलिस्ट क्लब में मनाई गई। सांप्रदायिक सद्भावना के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले महान क्रांतिकारी कलम के सच्चे सिपाही गणेश शंकर विद्यार्थी की 131वीं जयंती मनाई गई। इस अवसर पर विद्यार्थी जी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई और उनके चित्र पर फूल माला चढ़ाकर उन्हें याद किया गया। कानपुर जर्नलिस्ट क्लब द्वारा ऐतिहासिक हिंदी पत्रकार भवन में आयोजित कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार अशोक पांडे ने कहा कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय जिन पत्रकारों ने अपनी लेखनी को हथियार बनाकर आजादी की लड़ाई लड़ी थी, गणेश शंकर विद्यार्थी का नाम सबसे अग्रणी व उल्लेखनीय है। अपने क्रांतिकारी लेखन व धारदार पत्रकारिता से तत्कालीन ब्रिटिश सत्ता को बेनकाब किया और इसके लिए उन्हें जेल भी जाना पड़ा। गोपी कृष्ण तिवारी के लिए, गोपी कृष्ण तिवारी वो जो प्रताप अखबार के क्राइम रिपोर्टर हुआ करते थे और जब ये प्रताप अखबार अपने आखिरी दिनों में समझिए उस समय बहुत ही बदहाली का वो समय चल रहा था, कोई ध्यान नहीं दे रहा था, तो जब वहाँ पर बंद हुआ है तो उसके बाद इसकी सारी प्रतियां और लेख यहाँ पर सुरक्षित किए गए। और उस समय का ये इतना बड़ा पवित्र भवन था कि हिंदी के जो छात्र हैं वो यहाँ पर शोध करने आते थे, यहाँ की पुस्तकों पे, यहाँ के लेख और यहाँ के अखबारों के ऊपर। आप समझिए 1,00,000 रुपए कीमत की पुस्तकें 1950 में इस भवन में मौजूद थी और देश का कितना बड़ा केंद्र था कि केवल वाराणसी में एक पत्रकार भवन था और दूसरा भवन कानपुर में था। और पंडित जवाहरलाल नेहरू को इसका शिलान्यास करने आना था लेकिन वो ना आके किसी समय नहीं आ पाए, तो उन्होंने अपनी बहन विजय लक्ष्मी पंडित को यहाँ भेजा था शिलान्यास के लिए। और उसके बाद इसका उद्घाटन हुआ सेठ गोविंददास द्वारा, वो भी बड़े साहित्यकार रहे, राज्यसभा का सांसद रहे और तमाम देश की विभूतियाँ यहाँ आईं और पत्रकारिता का ये बड़ा केंद्र रहा। ये हमारा या इस कानपुर शहर का दुर्भाग्य रहा कि 25 सालों तक 30 सालों तक ये बंद रहा, इसका कोई पुरस्कार लेने वाला नहीं था। ये हिंदी पत्रकार भवन लोगों के दिमाग से दिल से मिट चुका था। जब हम लोगों कानपुर जर्नलिस्ट क्लब को जानकारी लगी कि एक ऐसा पवित्र भवन जिसमें कुछ लोगों ने कब्जा कर रखा है और वो कर रखा है, तब सुरेश जी के नेतृत्व में, हमारे सुरेश जी आज हमारे बीच में नहीं है लेकिन उनका बहुत बड़ा योगदान है कि कानपुर शहर में जर्नलिस्ट क्लब जैसा संगठन खड़ा करने में, ये उन्हीं की प्रेरणा थी कि हम लोगों ने एक दूसरा संगठन बनाया और आज इस मुकाम में है कि सच्चे और अच्छे पत्रकार अशोक जी, कुमार जी, अंजलि जी, ओम जी जैसे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। वरना इस शहर में कल्पना कोई नहीं कर सकता था कि कोई दूसरा संगठन भी होगा, जहाँ पर कोई ऐसा भवन भी होगा, जहाँ पर कोई ऐसे कार्यक्रम भी होंगे। तो अब ज़्यादा समय नहीं लेंगे हम, बस इतना आग्रह करेंगे अपने अतिथियों से कि ये आपका भवन है, आपका इतिहास है, इसको संभालने संवारने का काम हम सबका है, आपका है, आपके आशीर्वाद से इस भवन का इतिहास को उन जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रयासरत हैं। अगर आपका सहयोग मिलेगा तो इसको जरूर हम दूर तक पहुंचाएंगे। यहीं से हम अपनी वाणी को विराम देते हैं।